चैनल में स्वागत है आपका आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कोरिलेशन रिलेशन मीन्स क्या होता है इसकी क्या डेफिनेशन होती है इसके कितने टाइप होते हैं आज हम इस वीडियो में जान लेंगे तो ज्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम कोरिलेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं इट इज़ ए स्टेस्टिकल टूल दैट हेल्प्स टू मेज़र एंड एनालाइज द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स मीन्स ये एक ऐसा स्टेस्टिकल टूल है स्टेस्टिकल का मतलब है कि एक मैथेमेटिकल टूल है मैथेमेटिकल में क्या आता है नोमेरिकल मीन्स नंबर जो हमें हेल्प करता है मीन्स हमारी मदद करता है मेज़र करने में और एनालिसिस करने में कि हमारे पास जो दो वेरिएबल दे रखे हैं उनमें कितना रिलेशनशिप है मीन्स उनमें कितना संबंध है जैसे कि आप इसके वर्ड से ही समझ रहे होंगे को रिलेशन मीन्स जैसे दो चीज़ हैं तो वो आपस में को रिलेट कर रही हैं को रिलेट का मतलब है कि उसमें आपस में कुछ ना कुछ संबंध है नेक्स्ट पॉइंट इफ़ देर आर टू वेरिएबल्स एंड चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल विल अफेक्ट द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल देन बोथ द वेरिएबल आर को रिलेटेड मीन्स जैसे हमें दो वेरिएबल दे रखे हैं तो उसमें से अगर एक की वैल्यू चेंज होती है तो दूसरे की वैल्यू अपने आप चेंज हो जाती है तभी हम उन दोनों को बोलेंगे कि वे दोनों वेरिएबल आपस में को कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट टू मेजर ऑफ कोरिलेशन कोल्ड द को रिलेशन कोफिशियंट मीन्स अगर हम कोरिलेशन को निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं कोरिलेशन कोफिशियंट नेक्स्ट पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ चेंज इज़ इंडिकेटेड बाय अ साइन मीन्स अगर कोई वेरिएबल चेंज हो रहा है तो वो हमें कैसे पता चलता है उसके ऊपर के साइन के कि वो प्लस का है या माइनस का है नेक्स्ट पॉइंट को रिलेशन इज प्लस वन और माइनस वन मीन्स जो कोरिलेशन कॉपिशेंट है वो प्लस वन और माइनस वन होता है नेक्स्ट देख लेते हैं तो अब हम टाइप देखेंगे इसके टाइप्स ऑफ कोरिलेशन तो इसके मेनली दो टाइप होते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन नेगेटिव कोरिलेशन तो हम फर्स्ट देख लेते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं द कोरिलेशन इज सेट टू बी पॉजिटिव कोरिलेशन इफ़ द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स चेंजिंग विद सेम डायरेक्शन मीन्स हम पॉजिटिव कोरिलेशन कब बोलेंगे जब हमारे जो वेरिएबल होंगे उन दोनों की वैल्यू एक ही साथ एक ही डायरेक्शन में चेंज होगी नेक्स्ट देख लेते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप वेरिएबल चेंज इन द सेम डायरेक्शन मीन्स जैसे दो वेरिएबल हैं तो वो एक ही डायरेक्शन में चेंज होंगे ये उनके बीच का रिलेशनशिप है जैसे कि एज एक्स इज इंक्रीज वाई इज इंक्रीज मीन्स अगर एक्स बढ़ेगा तो वाई भी बढ़ेगा तो उसे हम बोलेंगे पॉजिटिव रिलेशनशिप नेक्स्ट पॉइंट एज एक्स इज डिक्रीज वाई इज डिक्रीज मीन्स अगर एक्स घटेगा तो हमारा वाई भी घटेगा उसे अभी हम पॉजिटिव रिलेशनशिप बोलेंगे तो इसका आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ उससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा जैसे एक्स दे रखा है और वाई दे रखा है एक्स की जो वैल्यू है वो पचास साठ सत्तर अस्सी नब्बे और सौ है और ऐसे ही जो वाई की वैल्यू है वो चार छ आठ दस ग्यारह और बारह है मीन्स यहाँ x की वैल्यू भी बढ़ रही है और y की वैल्यू भी बढ़ रही है तो इसे हम बोलेंगे पॉजिटिव रिलेशनशिप और ऐसे ही एक और एग्जांपल दे देता हूँ जैसे x और y की वैल्यू दे रखी है यहाँ हम इनकी वैल्यू को लिखेंगे जैसे इसको उल्टा करके ही लिख लेते हैं ये सौ है नब्बे है अस्सी सत्तर साठ और पचास है और इनकी वैल्यू को भी उल्टा करके लिख लेते हैं बारह ग्यारह दस आठ छः और चार है इनकी जगह कुछ भी वैल्यूज़ हो सकती हैं मींस अब हम देखेंगे जो एक्स है वो घट रहा है और ऐसे ही जो वाई है वो भी घट रहा है मींस हम इसे बोलेंगे पॉजिटिव रिलेशनशिप तो इसके आपको कॉमन से एग्जाम्पल दे देता हूँ जैसे कि किसी की हाइट बढ़ती है तो उसके साथ उसका वेट भी बढ़ता है और जैसे हम अपना स्टडी टाइम बढ़ाएंगे तो जो हमारे ग्रेड आएंगे वो भी बढ़ के ही आएंगे तो अब हम सेकंड देख लेते हैं नेगेटिव कोरिलेशन तो नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी द कोरिलेशन इज सेट टू बी नेगेटिव कोरिलेशन व्हेन द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स चेंज विल अपोजिट डायरेक्शन मीन्स जैसे दो वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे आगे देखते हैं नेगेटिव रिलेशनशिप वेरिएबल्स चेंज इन अपोजिट डायरेक्शन मीन्स नेगेटिव रिलेशनशिप हम कब बोलेंगे जब जो वेरिएबल की वैल्यू होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी जैसे एज एक्स इज इंक्रीज वाई इज डिक्रीज मीन्स अगर एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो वाई की वैल्यू घटेगी हम उसे बोलेंगे नेगेटिव रिलेशनशिप और आगे एज़ एक्स इज डिक्रीज वाई इज इंक्रीज मीन्स अगर एक्स की वैल्यू घटेगी तो वाई की वैल्यू बढ़ेगी उसे भी हम नेगेटिव रिलेशनशिप बोलेंगे और नेगेटिव रिलेशनशिप किन के बीच की वेरिएबल्स के बीच की तो इसका एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं जिससे कि आपको जल्दी समझ में आ जाए तो जैसे एक्स और वाई की वैल्यूज़ दे रखी हैं एक्स की वैल्यू है पचास पचपन साठ पैंसठ सत्तर पचहत्तर और ऐसे वाई की वैल्यू दे रखी है बीस तेरह ग्यारह नौ सात और पाँच मीन्स जो एक्स है वो बढ़ रहा है और जो वाई है वो घट रहा है तो इस रिलेशनशिप को हम बोलेंगे नेगेटिव रिलेशनशिप एक और एग्जांपल जैसे एक्स की वैल्यू दे रखी है सिक्सटी फाइव सिक्सटी फिफ्टी नाइन फिफ्टी सिक्स फिफ्टी फाइव और फिफ्टी और वाई की वैल्यू दे रखी है फाइव सेवन नाइन इलेवन थर्टीन और ट्वेंटी मीन्स जो एक्स की वैल्यू है वो घट रही है और जो y की वैल्यू है वो बढ़ रही है और वो कैसे यहाँ पाँच के बाद सात है सात के बाद नौ है मीन्स जो वैल्यू दे रखी है वो बढ़ रही है तो इसके आपको कॉमन से एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ जैसे कि अगर आप ज़्यादा टीवी देखोगे तो आपके जो ग्रेड मार्क्स है वो कम हो जाएंगे आप अगर अल्कोहल पी के गाड़ी चला रहे हो तो जो आपकी ड्राइविंग एबिलिटी है वो घट जाएगी तो अब हम स्कैटर और डॉट डायग्राम पढ़ेंगे मीन्स हम उसमें बताएंगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है पॉजिटिव में अलग अलग आते हैं और नेगेटिव में भी अलग अलग आते हैं वो आपको बता देता हूँ तो जो डॉट डायग्राम है ये हमारा ग्राफ के ऊपर बनता है जैसे यहाँ पे जीरो होता है और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है तो जैसे हमें एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है और वो हमारी एक ही लाइन में आ जाती है मीन्स जो पॉइंट है वो एक ही लाइन में आ जाएंगे तो हम इन्हें बोलेंगे कि इनके बीच की जो रिलेशनशिप है वो परफेक्ट पॉजिटिव है तो इसको हम बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव नेक्स्ट देख लेते हैं जो नेक्स्ट डायग्राम है यहाँ पे जीरो और ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस ऐसे ही यहाँ पे जो लाइन आनी थी लाइन से जो पॉइंट है वो साइड में आ गए हैं कुछ इस तरह आ गए हैं तो हम इसे बोलेंगे हाईली पॉजिटिव और ऐसे ही आगे जैसे ये x एक्सिस है ये y एक्सिस है लाइन तो यहां पे आनी थी लेकिन जो पॉइंट है वो साइड में आ गए हैं तो हम इसे बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट आगे जैसे एक डायग्राम दे रखा है ये जीरो है ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है जो वैल्यू हम पुट करेंगे वो हमारी इस तरह से आ गई है मीन्स जो सीधी लाइन है वो चेंज हो गई है और यहाँ पे पॉइंट आ गए हैं तो इस डायग्राम को हम बोलेंगे परफेक्ट नेगेटिव हम परफेक्ट नेगेटिव इसको क्यों बोलेंगे क्योंकि इसमें जो लाइन है वो अपोजिट साइड को आई है और पॉजिटिव वाले में क्या थी एक सीधी लाइन आ रही थी ग्राफ के साथ जैसे नॉर्मली ग्राफ होते हैं लेकिन नेगेटिव वाले में अपोजिट साइड को आ गई है तो हम इसलिए नेगेटिव बोलेंगे इसको और वो भी परफेक्ट नेगेटिव अब हम आगे देख लेते हैं ये एक्स एक्सिस है ये जीरो है ये वाई एक्सिस है लाइन इधर को आई है और जो पॉइंट है वो साइड में आ गए हैं तो इस डायग्राम को हम बोलेंगे हाई नेगेटिव नेक्स्ट जैसे ये एक डायग्राम दे रखा है ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है जो हमारी वैल्यू थी वो लाइन से साइड में आ गई है बहुत ज्यादा तो इस डायग्राम को हम बोलेंगे नेगेटिव कोरिलेशन नेक्स्ट अगर किन्हीं दो वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप ना आए तो हम उसे बोलते हैं जीरो कोरिलेशन और वो कैसे जैसे जो वैल्यू है उनका पता ही नहीं चल रहा है वो एक लाइन में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं ये पॉइंट है कुछ इस तरीके से आ गए हैं तो हम इसे बोलेंगे जीरो कोरिलेशन मीन्स जो दो वेरिएबल है उनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है तो हम इसीलिए उसे जीरो कोरिलेशन कहते हैं तो अब आपको बता देता हूँ कि ये जो पॉइंट है ये किस तरीके से लिए जाते हैं ग्राफ पर तो एक एग्ज़ाम्पल आपको बता देता हूँ मैं इसका वैसे तो ये ग्राफ पर बनता है मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह बनेगा ये ग्राफ पर जैसे हमें x और y की वैल्यू दे रखी है एक्स की वैल्यू है वन थ्री फोर सिक्स एट नाइन और टेन और वाई की दे रखी है थ्री फोर फाइव एट नाइन टेन और ट्वेल्व हम वाई में देखेंगे कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है तो सबसे बड़ी वैल्यू बारह है तो हम वाई को बारह तक लेंगे और एक्स में हम देखेंगे कहाँ तक है वैल्यू दस तक जा रही है तो हम दस लेंगे तो यहाँ पे ज़ीरो और यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन ये हमारा एक्स एक्सीज है और इधर को वाई एक्सीज है ये हमें बारह तक लेना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन और ट्वेल्व तो हम ग्राफ कैसे बनाएंगे हम सबसे पहले देखेंगे एक्स की वैल्यू कितनी है एक तो हम एक्स वाले में एक देखेंगे और वाई की वैल्यू कितनी है तीन तो हम इस पॉइंट से तीन तक लेके जाएंगे यहाँ पे लगा देंगे अब हम नेक्स्ट देखेंगे एक्स की वैल्यू कितनी है तीन है और वाई की वैल्यू चार है तो एक्स तीन लेके जाएंगे और वाई का चार लेके जाएंगे तो यहाँ इसको कर देंगे पॉइंट और ऐसे ही एक्स की वैल्यू चार है वाई की वैल्यू पाँच है तो हम चार से यहाँ पाँच तक लेके जाएंगे और ऐसे ही एक्स की वैल्यू छः है वाई की आठ है तो हम छः से आठ तक लेके जाएंगे यहाँ पे और ऐसे ही x की वैल्यू आठ है और y की वैल्यू नौ है तो हम आठ से नौ तक लेके जाएंगे यहाँ पे इसके सामने बिल्कुल और ऐसे ही x की वैल्यू नौ है और y की वैल्यू दस है तो हम नौ से y के दस तक लेके जाएंगे और ऐसे ही x की वैल्यू दस है y की वैल्यू बारह है तो हम दस से बारह तक लेके जाएंगे यहाँ पे फिर हम सीधी लाइन मारेंगे यहाँ से तो ये हमारी यहाँ से बन रही है तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया है इस तरीके से हम ग्राफ को बनाते हैं इसी को हम डॉट और स्केटर डायग्राम भी बोलते हैं तो ये था कोरिलेशन डेफिनेशन ऑफ कोरिलेशन टाइप ऑफ कोरिलेशन स्कैटर डायग्राम तो आज के लिए बस इतना ही आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आपको हमारी वीडियोज़ मिलती रहे थैंक यू फॉर वॉचिंग